राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह में पुलिस विभाग द्वारा छात्राओं की आत्मरक्षा हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में 9वीं कक्षा से लेकर जमा 2 कक्षा की छात्राओं ने भाग लिया। इस शिविर में मनोज कुमार ने छात्राओं को आत्मरक्षा करने के गुर सिखाए। इस शिविर में छात्राओं को संबोधित करते हुए पाठशाला के प्रधानाचार्य अशोक कुमार सोनी ने कहा कि विकट परिस्थितियों तथा असामाजिक तत्वों का सामना करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का लड़कियों के लिए विशेष योगदान रहता है, क्योंकि लड़कियों के लिए ये प्रशिक्षण अपनी आत्मरक्षा के लिए एक सशक्त हथियार सिद्ध होते हैं और लड़कियां आज के इस युग में इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी आत्मरक्षा का कवच बन सकती हैं। आज मास में चोरी, डकैती, लूटपाट, हिंसा तथा आतंकवाद के कारण लोगों का जीवन भयभीत बन गया है। अतः इन विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए लड़कियों को आगे आना चाहिए और इसके लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, तभी लड़कियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकती हैं। इस अवसर पर पाठशाला के सभी शिक्षक मौजूद रहे। आगे पढ़ाना है, सिखाना है, शिक्षित करना है, तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि हमने किस तरह से अपने सुरक्षा करनी है, यह भी हमारे अगले कल जो है ये जो ट्रेनिंग चल रही है हमारी सेल्फ डिफेंस की, ये कल समाप्त होगी। और इन्होंने जो अभी 7-8 दिन हमारे इसमें लगे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों ने सीखा है। और कई बार हम आपस में ही हतोत्साहित हो जाते हैं कि पता नहीं मुझे ये चीज समझ आएगी या नहीं आएगी, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। अपने आप में एक ऐसा आप अपने आप को मजबूत कीजिए और अपने आप में हिम्मत दीजिए कि मैंने आगे बढ़ना है।